जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। पच्चीस सौ पचासवें निर्वाण कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या क्या हो सकता है, कैसे हम उसे मना सकते हैं, इस चिंतन मंथन के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। 2500वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव बड़े उल्लास के साथ में मनाया गया था। 50 वर्षों में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई है। 50 वर्षों पहले जैन समाज जहां था, 50 वर्षों के बाद आज वहां नहीं है, बहुत नीचे के पायदान में आ गया है। इसीलिए 2500वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव के जो भी रिपोर्ट है वो जब देखते हैं तो वो अब आपको कल्पना लगेगी। उस वक्त करीब 42 सांसद थे जैन समाज के, 200 से अधिक विधायक थे जैन समाज के, लगभग 18 या 19 केंद्रीय या बड़े पोस्टों पर राज्य मंत्री थे जैन समाज के, और इसीलिए उन सब लोगों ने मिलकर अलग अलग तौर तरीकों से काफी बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से पैसा लिया, खुद का भी बहुत ध्यान लगाया, समाज को जगाया। उस जमाने में सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था और तब भी अच्छा खासा महावीर भगवान का प्रसाद प्रचार हुआ था। महावीर भगवान का 2500वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया। तब के जैन समाज में और आज के जैन समाज में बहुत अंतर हो गया है कि महावीर भगवान के सिद्धांतों को और महावीर भगवान की बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाने के पहले पहुंचाने वाले के पास वो पहुंचने चाहिए। जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाने वाले के पास नहीं है तो क्या पहुंचाएगा? साधुओं के खाली प्रवचन हो जाएंगे, साधु तो पहुंचा ही रहे हैं, वो पहुंचाने के लिए ही पहुंच रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं और इसीलिए जीते हैं। समाज के अंदर इसकी बहुत कमी है। महावीर नाम के हैं, कभी महावीर जन्म कल्याण के दिन 6 बुलाने के लिए है, लगता है महावीर हमारे काम के नहीं है, इसलिए हम प्रयोगों में भगवान महावीर को लाना नहीं चाहते। लेकिन हम जनमानस में भगवान महावीर को पहुंचा सके उसके लिए अलग तैयारी करनी पड़े। अपने तो हर संघों के अंदर तेरापंथी स्थानकवासी और मूर्ति पूजन अपने अपने तौर तरीकों से आयोजन कर लेंगे, साधु संतों को बुला लेंगे, प्रवचनों का आयोजन हो जाएगा, कोई रथ यात्रा का आयोजन होगा, कोई रैली का आयोजन होगा, कोई प्रभात फेरी का आयोजन होगा, कोई भक्ति संध्या का आयोजन होगा, कोई छोटे बड़े तपस्या के आयोजन हो जाएंगे, समय वसल्य हो जाएगा, अलग अलग प्रश्नोत्तरी हो जाएगी, छोटे बड़े अन्य आयोजन हो जाएंगे। एक बात तो ये करनी है कि नया कुछ बनाना नहीं है, कुछ बनाने का मतलब नहीं है नया, नया कुछ भी नहीं बनाना है, कोई VR धाम भी नहीं बनाना है। जो पुराने हैं उसको पहले ठीक करते हैं, जो चीजें पुरानी है उसे बराबर संभाल ले, जो पुरानी है उन्हें मजबूत कर ले, जो पुरानी हमारे पुरखों की है वो अगर हमारे हाथों से जा रही है तो उन्हें सशक्त बनाए, उसके लिए पूरी ताकत लगा दें।